रायसेन जिले में विजयदशमी पर्व पर पुलिस लाइन परिसर में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार और मंत्री नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी ने शक्ति की देवी मां भवानी मां काली की आरती उतारी। वहीं पूर्णाहुति के बाद वाहनों की भी पूजा की गई। इसके बाद कलेक्टर और एसपी ने हर साल की तरह इस साल भी परंपरा के तौर पर आवाजी फायर की है। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि शस्त्र पूजन हमारी धार्मिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। वहीं एसपी पांडे ने कहा कि शक्ति का प्रयोग हमेशा शांति के लिए किया जाना चाहिए जिससे शांति स्थापित हो सके। इसी कामना के साथ आज शस्त्र और वाहन की पूजन की गई। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। सदैव से ही हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सभी देवी देवता हमारे आदि पुरुष सब शस्त्र सज्जित हैं। शस्त्र मनुष्य की शोभा भी है, शस्त्र राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। शस्त्र किसी को डराने के लिए होते हैं, शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए धारण हम करते हैं। हमारे समाज की परंपरा रही है। आज विजयादशमी का त्यौहार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी और उस समय का अत्ताई राक्षस या आतंकी इसको गए उसका अंत हुआ था। उससे स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन देश भर में करते हैं और ये विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। हिंसा को खत्म करने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है, अर्थात जिस तरह से सीमा पर खड़ा सैनिक, जिस तरह समाज के दुश्मनों को पुलिस समाप्त करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे शस्त्र बहुत उपयोगी हैं। और जो समाज के दुश्मन हैं उनके खिलाफ शस्त्रों का उपयोग ही हमारे अधिकतम देवी देवता देते हैं और हमारी परंपरा है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनने आतताइयों को ख़त्म किया और आतताइयों का वध किया। तो मैं समझता हूँ ये जो वीरता का, पराक्रम का, शौर्य का हमारे समाज का एक प्रतीक है, परंपरा है शस्त्र पूजन।